हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल वांटेड दादा में। आज हम आए बल्देव वर्ल्ड फोर्ट जो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। आज आपको यहाँ का किला घुमाएंगे। आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। तो ये है बल्देवगढ़ का किला गाइस। ये बल्देवगढ़ शहर, मैं अभी किले के टॉप पर हूँ, वहाँ से शूट कर रहा हूँ। ये तालाब है और वो तालाब के बीच में शिव मंदिर है और इस तालाब की मछली भी बहुत फेमस है, जो यूपी, गोरखपुर, भोपाल काफ़ी जगह जाती है। अभी इसका काम चल रहा है। और उनको कहते हैं आठ मणियाँ। जूम करके दिखाता हूँ, ये जो है ये आठ मणियाँ। लोगों का कहना है किसी भी साइड से देखो तो चार ही दिखते हैं, आप किसी भी एंगल से इसको इनको देखो तो चार ही दिखते हैं। हाँ, लोग घूमने भी आए हैं। तो भी हम लोग जा रहे हैं ओनी आठ मणियों पे ऊपर। ओए राहुल, आओ। ये ऊपर जाके सीन दिखाता हूँ। और ऊपर जाना तो ये आ गए। ये देखो कुछ इस तरीके का नजारा आता है किले के ऊपर से। सामने ग्याला मुंडा है। इस किले की सबसे ऊंची जगह और यहाँ से पूरा बल्देवगढ़ भी दिखता है। तो इन्हीं आठ मणियों की बात की थी। ये है वो आठ। यहाँ से आप ये नज़ारा भी देख सकते हैं। यहाँ से भी पूरा पूरा शहर देख सकते हैं आप बल्देवगढ़। यह किले का सीन, ये उस ऊपरी जगह से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से दूर दूर तक देख सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी है। कहीं भी देखे पहाड़ी नजर आएगी। और ये है यहाँ की सब बड़ी तोप। इस तोप की जानकारी अगले वीडियो में दूंगा क्या है।
का वॉक अराउंड वीडियो बता रहा हूँ, डिटेल आपको इसके पार्ट टू में मिल जाएगी। मैं इस फोर्ट की पूरी डिटेल पार्ट टू में आपको बता दूंगा। हाँ, कैसा है, क्या है, किसने बनवाया था, किस कारण ये किला बनवाया गया, ये सब मैं उसके पार्ट टू में बताऊंगा आपको। ये बारूद घर है, बारूद रखते थे जहाँ पर तोप के गोले वगैरह। यहाँ पे दो हैं। ये किला शायद हथियारों के लिए बनाया गया था। और किला इस तरीके का बनाया गया है कि कोई भी सेना यहाँ पे आक्रमण नहीं कर सकती। चारों तरफ इसके तालाब हैं। ये देखिए, तालाब पूरे चारों तरफ है। यहाँ पे तीन या चार तालाब हैं और ये पहाड़ की चोटी पे बनाया गया है। पहाड़ की चोटी पे इसको बनाया गया है। आपको बताते भी हैं कि अभी तोप के गोले कैसे होते थे, यहाँ पे रखे भी हैं कुछ। चलिए चलते हैं, तोप के गोले दिखाते हैं आपको। आज तोप के गोले भी दिखाते हैं। ये देखिए, कुछ इस टाइप के होते थे। इसको मैंने उठाने की कोशिश की है पर इसका वजन काफ़ी है। इतने से गोले का वजन कब 60 किलो के आसपास होगा। ये देखिए, राहुल गोले उठा रहा है। ये छोटे वाले हैं, फिर भी बहुत भारी गोले हैं। राहुल ये उठा रहा है गोली, मैं भी ट्राई करता हूँ भाई। रख उसको, ये गोला बहुत भारी है। भाई इसका वजन 60 किलो के आसपास होगा पक्का। नहीं, 60 से तो कम होगा, ज्यादा बोल दिया, 60 से कम होगा, 40 के आसपास तो होगा ही। ये छोटे वाले कभी और भी गोले पड़े हैं और बाकी अंदर रख लिए हमने। तो आपको यहाँ की एक बेहतरीन चीज और दिखाते हैं। ये देखिए, ये हम कुएं के ऊपर खड़े हैं, इसको अंधा कुआं बोलते हैं। ये इसका मुंह है, ये गहरा भी है कुआं। ये कुएं की छत है पूरी। ये देखो, ये सब कुएं की छत है, ये आप सामने का देख सकते हैं। लुकिंग वेरी नाइस, देखने में मज़ा आ गया किले को। ओल्ड इज बेस्ट, इसका मेन गेट है जहाँ से हम लोग आए थे। और एक चीज और दिखाता हूँ, कुएं का नीचे का हिस्सा। नीचे काफ़ी बड़ा गेट है, ऊपर से तो अंडरग्राउंड है। ये देखिए, यहाँ पे एक गेट बनाया था। ये वो ऊपर का होल है जो मैंने दिखाया था आपको। ये देखिए नीचे, राजा लोग किसी को मारना होता तो इसी में फेंक देते थे। इसके अंदर भी बहुत कमरे हैं, डरावने हैं, अंधेरा है बहुत, कुछ दिखता नहीं है, बहुत अंधेरा है। ये छोटे छोटे, ये काफ़ी लंबा कमरा है।
यहाँ का ग्राउंड फ्लोर है। ये फोर्ट बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही है, मतलब किनारे मान लो आप। यहाँ से बस स्टैंड भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये बल्लेगढ़ बस स्टैंड है। यहाँ से पूरा बस स्टैंड, आपको दिक्कत नहीं होगी आने में। आप बल्लेगढ़ आना है तो बस स्टैंड और डायरेक्ट आप किले पे आ जाएगी। यहीं से आपको अंदर आना है ये, और यहाँ से होते हुए आप 50 से 100 मीटर बाद यहाँ पे आ जाओगे। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से आपको चढ़ना है। वो सामने पीपल दिख रहा है, वो छोटा सा यहाँ पे बावरी टाइप की है, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। किले की डिज़ाइन देख लीजिए, आप उस साइड से भी ऊपर आ सकते हैं, इस साइड से भी ऊपर आ सकते हैं, और इससे भी ऊपर आप यहां से सामने से जा सकते हैं। आप आ सकते हैं यहां पर, गाड़ी भी पार्क करने की जगह है, या बस स्टैंड पे भी पार्क कर सकते हैं। ये पूरा फोर्ट, हम लोग उतने ऊपर थे अठमढ़िया, अभी यहाँ पे भी आपको दिखाया। ये वो सामने वाले बिल्डिंग के पीछे बावरी है, ये पीपल का पेड़ दिख रहा है यहाँ पे, और आगे का नज़ारा कुछ ऐसा। इसके ऊपर आके आपको मेन गेट से अंदर आना है। ये देखिए, तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।